13 करोड़ के खिलाड़ी हैरी ब्रूक ने आईपीएल के पहले मैच में जैसा खेल दिखाया उससे वो कहावत सही साबित हो गई, ऊंची दुकान के फीके पकवान। हैरी ब्रूक को इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन अगला ग्रेट बल्लेबाज बताते हैं, लेकिन हैदराबाद के लिए खेलते हुए हैरी ब्रूक की अप्रोच हैरान करने वाली थी। जो हैरी ब्रूक टेस्ट मैचों को भी T20 के अंदाज में खेलते हैं, उन हैरी ब्रूक ने T20 मैच को मानो टेस्ट मैच बना दिया। जब हैदराबाद की टीम 204 रन के टारगेट का पीछा कर रही थी तो उम्मीद की जा रही थी कि हैरी ब्रूक जैसा खिलाड़ी आक्रामक बल्लेबाजी करेगा, लेकिन पावर प्ले में हैरी ब्रूक ऐसे खेल रहे थे मानो छोटे से टारगेट का पीछा कर रहे हों। हैरी ब्रूक ने 21 गेंद में केवल 13 रन बनाए और युजवेंद्र चहल ने इसके बाद उन्हें चलता कर दिया। हैरी ब्रूक की पूरी पारी में कोई इंटेंट देखने को ही नहीं मिला, जो हैरान करता है। हैरी ब्रूक का सस्ते में आउट होना कोई बड़ी बात नहीं और किसी भी बल्लेबाज के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन इंग्लैंड के बेसबॉल क्रिकेट के सबसे बड़े हथियार साबित हुए हैरी ब्रूक की धीमी बल्लेबाजी की आलोचना तो बनती है, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद ने किसी भी हालत में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी देखकर ही 13 करोड़ 25 लाख में उन्हें खरीदा था। क्या हैरी ब्रूक अगले मैच में वापसी कर पाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।